में आचार्य जी से मिलने के लिए संपर्क करें। 19 जून जयपुर, 20 जून अमृतसर, 21 जून अहमदाबाद, 22 व 23 जून मुंबई, 24 जून बेंगलोर, 25 व 26 जून दिल्ली। इसके अलावा टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट भी उपलब्ध हैं। संपर्क 09529020000। मेरे बहुत ही प्रिय सम्मानित साथियों, बहुत बहुत अभिनंदन और हृदय से स्वागत। साथियों, हम ऐसे ऐसे खोजपूर्ण उपाय आप लोगों के लिए लेकर के आने का निरंतर प्रयास करते रहते हैं और पूरे विश्वास के साथ में आपने भी उनको हाथों हाथ लिया है और आपके जीवन में भी उससे बहुत सकारात्मक परिवर्तन आया है। इस सभी के लिए मैं आपका जितना धन्यवाद दे सकूं उतना ही थोड़ा है। साथियों, आज एक विशिष्ट समस्या पर चर्चा करेंगे, खास तौर पर जो विवाह की समस्या है उसमें भी यदि आप अपने भाई बहनों में सबसे बड़े हैं, उम्र में मैं बात कर रहा हूं, और यदि कहीं ना कहीं आपके विवाह में बाधा आ रही है और ये समस्या आपके छोटे भाई बहनों को खटक रही है, यदि उनको ऐसा लगता है कि आपका विवाह जो नहीं हो पा रहा है उस वजह से उनके भी विवाह में समस्या आ रही है और कहीं ना कहीं वो आपको दोषपूर्ण निगाहों से देखते हैं या कई बार आपको कटुतापूर्ण यदि वचन भी कह देते हैं, तो साथियों यकीन मानिए आज का ये जो उपाय है ये स्वयं में खोजपूर्ण है और परंपरागत ढर्रे से हटकर है। शीघ्र विवाह को लेकर के भारत में 16 सोमवार का व्रत जो है वो जन जन में उसकी बहुत ज्यादा मान्यता है, परंतु आज मैं एक नवीन प्रयोग आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं जो कि है 16 बृहस्पतिवार अर्थात 16 गुरुवार का। साथियों, इस पर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के एक कमेंट का उत्तर देते हैं जो कि आप लोगों के ही द्वारा हमें कमेंट के माध्यम से प्राप्त हुए हैं, तो आप अंत तक हमारे साथ में अवश्य बने रहिए। किसी से भी पूछने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे ही हम लोग करते चले जाते हैं व्रत और त्योहार। विवाह नहीं हो रहा है तो 16 सोमवार करते रहें। साथियों, यदि आप घर में सबसे बड़े हैं तो आपके लिए जरूरी है बृहस्पतिवार का व्रत करना। पीड़ा उस समय और ज्यादा हो जाती है कि मान लीजिए जिसका स्वयं का ही विवाह नहीं हो पा रहा है और अगर आप उसको ताने दे रहे हो कि तुम्हारी वजह से हमारा विवाह नहीं हो पा रहा है, तो सोचिए उसके लिए कितना पीड़ादायक ये चीज होगी। अगर एक जहाज है और जहाज का दुर्घटना हो जाती है और सभी लोग डूबने को होते हैं और उसमें से किसी एक को उसका जिम्मेदार ठहराया जाता है जो कि स्वयं भी डूब रहा है कि भाई तुम्हारी वजह से हम सब डूब रहे हैं, एक तो उसको डूबने की चिंता है, ऊपर से आपके तानों की जो पीड़ा है वो अलग है। साथियों, ऐसे बहुत सारे मेरे पास में उदाहरण रोजाना की जिंदगी में आते हैं जिसमें कि जो भाई है या बहन है उसको यदि ये ताना दिया जाता है और खास तौर पर यदि वो बहन है तो उसको यदि ताना दिया जाता है तो उसके लिए बहुत ही संकटपूर्ण स्थिति हो जाती है। मुद्दे पर आते हैं और बात करते हैं कि यदि आप घर में भाई बहनों में सबसे बड़े हैं और आपको अपने विवाह में ये समस्या आ रही है और कहीं ना कहीं आपको भी यदि ताने दिए जा रहे हैं कि आपका विवाह नहीं हो पा रहा, इस कारण से हमारे विवाह नहीं हो पा रहे हैं, तो ये प्रयोग आपको समर्पित है। बहुत ही आसान परंतु प्रभावशाली। साथियों, गुरुवार को आपको ये प्रयोग करना है। प्रातःकाल जल्दी उठें, किसी न किसी प्रकार का पीला वस्त्र जरूर अपने शरीर पर धारण करें और व्रत आपको रखना है। दिन में एक बार आपको भोजन करना है और वो भोजन में यदि आप चने की दाल या बेसन से संबंधित किसी खाद्य सामग्री का प्रयोग करते हैं तो बहुत ही बेहतरीन और शानदार रहेगा। 16 बृहस्पतिवार तक लगातार आपको करना है। बहनों को जो समस्या आ जाती है उसमें उसको छोड़ करके दूसरे लगातार 16 बृहस्पतिवार किया जा सकता है। बृहस्पतिवार को भोजन से पहले कभी भी, इसका कोई समय निर्धारित नहीं है, आपको 3 माला जो मैं अभी मंत्र बताने जा रहा हूं उसका जाप करना है। ओम
ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, इसका 3 माला आपको जाप करना चाहिए। 16 बृहस्पतिवार की भी आपको बिल्कुल प्रतीक्षा नहीं करनी होगी, चाहे जैसा व्यवधान आपके विवाह में आ रहा है वो विवाह का व्यवधान दूर होगा और आप शीघ्र ही शुभ विवाह के बंधन में बंधेंगे। मैं भी आपको अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। आइए अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की। आज हमने कमेंट शामिल किया है खुशबू दुबे जी का, जो कि हमें मिला है इंदौर मध्य प्रदेश से। आपने पूछा है कि आपके भाई की विवाह में विलंब होता चला जा रहा है, उनका विवाह कब होगा और कैसी पत्नी मिलेगी। पहले मैं बात करूंगा कि कैसी पत्नी मिलेगी। सुंदर पत्नी उनको मिलेगी, जैसा उनकी मनोकामना है वैसी ही मिलेगी, क्योंकि उनका जो सप्तमेश है, एक तो वो शुक्र है और स्वयं वो अपने घर को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, ये उनके लिए बधाई के पात्र है। दूसरा, इनका जो विवाह का योग है वो अभी वर्तमान में चल रहा है और लगातार अप्रैल 2020 तक इनके विवाह के योग चल रहे हैं, तो आप लोग अपने तरफ से जो प्रयास है वो जारी रखें। इनको शुक्रवार को किसी फूलदार पौधे का रोपण करना चाहिए और उसकी देखभाल करनी चाहिए, इससे इनके शीघ्र विवाह के योग बहुत मजबूत होंगे। तो साथियों, ये हमारा एक बहुत ही छोटा सा प्रयास था, आप लोगों का स्नेह हमारे साथ में है। यदि आपको कहीं ना कहीं हमारा ये कार्यक्रम बेहतर जीवन की ओर ले जाने वाला लग रहा है तो हमारे साथ में आप इस कार्यक्रम में, इस मुहिम में शामिल रहें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना स्नेह मुझे देने के लिए लाइक जरूर कीजिए। आप सभी स्वस्थ और समृद्ध बने। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।